नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे फिर से एक बार। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पल्वराइजर आटा चक्की में जो है पीसने के बाद आटा घट कैसे जाता है, इसका क्या क्या वजह होता है और इसको आटा कम घटे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आज ये सारी बातें करने वाले हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जिनको भी इस वीडियो की इस तरह की वीडियो की आवश्यकता हो उन्हें शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को दोस्तों, आटा घटने का जो मेन वजह है पल्वराइजर में वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि दोस्तों आटा जो है, जो पत्थर वाली चक्की आटा है ना, उसमें भी आटा घटती है, मगर उसमें थोड़ा कम घटता है, लेकिन उससे ज़्यादा आटा जो है पल्वराइजर में घटता है। पल्वराइजर में ज़्यादा घटने का कारण होता है दोस्तों, इसमें जो चैम्बर होता है और पीसने का जो कटर होता है वो सबके सब मेटल का होता है, यानी धातु के बने होते हैं, जबकि उसमें जो है पत्थर होता है और पत्थर जल्दी गर्म नहीं होता है, और वो पत्थर जो पीसता है उसमें पिसाई करने का भी सिस्टम अलग है। उसमें पीसता कैसे है, दबा दबा के ऐसे दर देता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करता है, काटता है, घिस घिस के काटता है, ठीक है, कटर में, जैसे पल्वराइजर में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कटर में जो है काट काट के ऐसे करता है और उसमें ऐसे दबाता है, ठीक है, दबा दबा के ख़त्म कर देता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसे घूम घूम के रगड़ रगड़ के घिस घिस के काटता है। तो इसमें दूसरा कारण ये है कि दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है इसका, जिसमें चैम्बर में आटा पिसाता है वो पूरा का मेटल बॉडी है, मतलब लोहे का एसएस का ऐसे होता है, तो एसएस और ये लोहे का होने की वजह से जो है उसके अंदर में जब गर्म होती है, एक बार गर्म होता है तो गर्म को पकड़ता है, ठीक है, वो सेव रखता है, और थोड़े ही देर में जो है आटा चक्की का आप चैम्बर जब चलाएंगे 10-15-20 मिनट तक, तो उसके बाद छुएंगे तो पूरा गर्म हो जाता है। अब दोस्तों गर्म होने के बाद क्या होता है कि आप क्या है, जो भी अनाज पीस रहे होते हैं उसमें जो है एक तरह से उसका रस जो होता है, रस नहीं बोला जाए तो क्या बोलते हैं, जब अनाज को हम सुखाते हैं तो उससे पानी जल के उड़ जाता है धूप में, वो एक तरह से नमी बोल सकते हैं, उसके अंदर जो नमी आ गई होती है, जो भीगापन होता है उसमें, वो बस उसमें सूख जाता है, ठीक है। अगर आप देखे होंगे जब अनाज को हम सुखाने से पहले आप तौल लीजिए कितना केजी है, और फिर सुखाने के बाद फिर तौलेंगे तो वो वज़न कम हो जाता है, तो यही कारण होता है दोस्तों, उसमें जो नमी होती है, जो भीगापन होता है, वो सूख जाने के कारण उसका वज़न भी घट जाता है। उसी प्रकार जो भी अनाज को हम पल्वराइजर में पीसते हैं उसके अंदर जब पीसने के प्रोसेसर में आटा चक्की गर्म होती है बहुत ज़्यादा, और पीसने के चक्कर में वो जब पीसता है तो गर्म होता है, आटा भी गर्म होती है, और पत्थर वाले आटा चक्की से इसमें ज़्यादा गर्म होती है, तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से जो है इसमें नमी जो है, इसमें भीगापन जो है काफ़ी ज़्यादा सूख जाती है और इसका वज़न घट जाता है। अब दोस्तों अब मैं बताऊँगा कि इसमें वज़न घटे कम घटे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों अनाज कोई भी पीसे तो सुखा के पीसें, क्योंकि अगर सुखाया नहीं पीसेंगे उसमें गीलापन रहेगा तो फिर ज़्यादातर गीलापन जो भी होगा वो आटा चक्की पल्वराइजर में घिस घिस के जो कटेगा उस समय गर्म होकर सूख जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे दोस्तों गीला अनाज अगर पीसेंगे ना, पीसने के साथ साथ जो है आटा ज़्यादा चिपकने लगता है, वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो अनाज हम गीला डाले हैं, गीला डालने के बाद वो गर्म होकर उसके अंदर जो भीगापन वाटर है, जो रस है उसका, अनाज में जो भी भीगापन पानी जैसा रस उसको बोल सकते हो, वो सूखता है, ठीक है, उसको सुखा के उसके बाद वाष्पित होता है, वाष्प होके उसके बाद वाष्प तो इसके अंदर ही रह जाता है, फिर बाद में फिर पानी बनता है और पानी गीलापन हो जाता है, और जिसकी वजह से आटा चैम्बर में चिपक जाता है चारों साइड। आप अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो आपको बिना सुखाए कोई अनाज थोड़ा गीलापन हो उसको पीस के देखिएगा, ज़्यादा गीला मत डालिएगा, मतलब बिना सुखाए आप पीसेंगे तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, और जब सुखा देते हैं तो उसमें जितना भी पानी सूखने वाला था लगभग लगभग सूख गया, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है इसमें पल्वराइजर में सूख जाता है, लेकिन कम सूखेगा, ठीक है। यही वजह होता है कि सूखा के चेक वेट चेक करेंगे तो जो है सूखा के वेट चेक करेंगे तो थोड़ा वेट लॉस पहले से हो जाएगा, उसके बाद पल्वराइजर में जाने के बाद आपको ऐसा ना लगेगा कि इसने ही घटा दिया, आटा चक्की में ही घट गया, ठीक है। इसलिए अपने ग्राहकों को जो भी आपके पास पीसने के लिए, पिसाने के लिए आपके पास पल्वराइजर आटा चक्की है और आपके पास आते हैं ग्राहक, तो उनको कहें कि आटा या उनको कहें कि अनाज सुखा के लाएँ,
सुखा के लाने से क्या होगा, कम घटेगा, और कम घटेगा तो फिर आपके जो ग्राहक है वो नाराज कम होंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉल आता है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि उनका जो है आटा चक्की चलने नहीं लगा, कस्टमर्स नहीं आने लगे, क्योंकि उनके यहाँ आटा घट जाता है। तो घटने का एक कारण है कि अनाज सबको सुखा के लाने के लिए बोले, और दूसरा अगर यदि हम चाहे कम करें, आटा कम घटे, तो इसके लिए आपको जो है पतला नहीं थोड़ा मोटा पीसना पड़ेगा, मतलब काम चल जाए ऐसा आटा पीसना पड़ेगा। ठीक है, बहुत पतला पीसना नहीं चाहिए आपको। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि दो नंबर की जाली से कभी कभी पल्वराइजर जो बनाती है, अलग अलग ब्रांड की कंपनी जो बनाती है, दो नंबर की जाली से किसी किसी में चलने लायक ठीक आता है, लेकिन दो नंबर किसी किसी में ज़्यादातर मशीनों में क्या होता है कि बहुत पतला हो जाता है, और कंपनी वाला बहुत पतला बना बना के दिखा देता है कि ये आटा देखो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा स्मूथ लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल गलत है दोस्तों। बहुत पतला पीसने के बाद जो है आटा घटती है, ज़्यादा देर भी लगती है, और आपका स्वाद भी नहीं लगता है आटा चक्की में, ये पल्वराइजर में, क्योंकि इसमें क्या होगा कि पीस पीस के जितना भी पानी होता है सब खत्म हो जाने के कारण जो है अनाज का जो नमी होता है उसका रस जो होता है वो सूख जाता है, सूख जाने के कारण रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आप दो नंबर की जाली से अगर पतला आता है पूरा, तो ढाई नंबर की जाली से पीस सकते हैं, ढाई नंबर की जाली जहाँ से आप मशीन लिए हैं उनको बोल करके मंगवा सकते हैं, या फिर तीन नंबर की जाली ट्राई करके देख लें। तीन नंबर की जाली से अगर सही आ रहा है तो ढाई नंबर की मंगाने की आवश्यकता नहीं है। ये दो कारण हैं दोस्तों, दो टिप्स हैं दोस्तों, जिससे आप जो है आटा घटना थोड़ा कम कर सकते हैं, घटेगा तो पक्का लेकिन कम कर सकते हैं। मान लिया जाए अगर आप 10 केजी में 500 ग्राम पहले घट रहा था, तो ये दो टिप्स, अनाज को सुखा के पीसेंगे और मोटी वाली जाली लगाएंगे, मतलब दो पतला पूरा नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा पीसना है, मतलब चलने लायक। ठीक है, ज़्यादा पतला पीसने के बाद घटेगा, तो ये दो टिप्स को आप फॉलो करके जो है आपके अनाज को जो है पीसने के बाद आटा कम घटेगा, रोटी भी अच्छी लगेगी और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अगर आप पतला पीसने के चक्कर में रहेंगे तो टाइम भी जाएगा और प्रोडक्शन भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए आप थोड़ा मोटा पीसिए, ढाई नंबर की जाली यूज कीजिए, तीन नंबर की जाली में पीस के देखिए, अच्छा पीसा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है और आटा कम घट रहा है, तो फिर आप ऐसा कीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, बस यही छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताया कि आटा घटना जो है कम कैसे करें और प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हैं पल्वराइजर मशीन में। तो इसी बात के साथ दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।